स्टार्ट। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जहाँ करीब 80% लोग किसी ना किसी रूप में खेती बाड़ी से अपना निर्वाह करते हैं। यदि आप एक किसान के जीवन पर दृष्टि डालें तो आप यह देखेंगे कि उसका खेत बड़ा हो या छोटा, वह और उसका परिवार साल भर बराबर खेती के काम में व्यस्त नहीं रह सकता, उसे काफ़ी समय बेकार रहना होता है। दूसरे रोजगार की खोज में वह अपना घर छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि खेती के काम में कभी कभी निरीक्षण की आवश्यकता होती है। यदि बेकारी का वह सब समय जब किसान व्यस्त नहीं होता खादी तैयार करने के काम में लगाया जाए, तो देश भर की आवश्यकता के अनुसार खादी मिल सकती है। पैराग्राफ चेंज। ऐसी अवस्था में कोई भी कम मजदूरी का प्रश्न नहीं उठाएगा, क्योंकि यह काम तो ऐसे समय में किया जाएगा जो बिल्कुल खाली होगा। उस खाली समय में किसान कुछ ना कुछ कमाएगा ही, और वह कमाई ऐसी भी नहीं कि उसका कोई भी मूल्य ना हो। कम से कम वह अपने लिए तो इतना कपड़ा तैयार कर ही सकेगा जिससे उसको बाजार से ना खरीदना पड़े। मैं आपको अपने निजी अनुभव से बता सकता हूँ कि एक घंटा प्रतिदिन कातने से हमें इतना कपड़ा मिल सकता है जितना कि एक औसत हिंदुस्तानी के लिए आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सस्ते महंगे कपड़े का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि खादी खाली समय में किए गए श्रम से प्राप्त हो जाएगी। खादी के संबंध में यह एक तथ्य है। पैराग्राफ चेंज। हम जानते हैं कि आदमी सदा काम नहीं करना चाहता, कभी कभी उसे खाली बैठे रहना ही अच्छा लगता है, परंतु इन सब कठिनाइयों के होते हुए भी मैं सोचता हूँ कि खादी का प्रसन्न और विस्तार असंभव नहीं है। अतीत में जब गांधी जी ने खादी आंदोलन आरंभ किया, उस समय हमारे देश के प्रशासन से कोई संबंध नहीं था और ना ही हम सरकार से सहायता की अपेक्षा करते थे। फिर भी देश में एक ऐसा वर्ग था जो बराबर खादी का प्रचार करता रहा। वह वर्ग आजकल भी विद्यमान है। हम चाहते हैं कि जनता के अन्य वर्ग भी खादी अपनाएं और हमें प्रोत्साहन दें। मुझे प्रसन्नता की बात है कि वित्त मंत्री महोदय ने हमें सरकारी सहायता देना स्वीकार कर लिया है। पैराग्राफ चेंज। एक प्रश्न यह उठाया गया है कि महिलाओं की साड़ियां बहुत महंगी पड़ती हैं। मेरे विचार में यह प्रश्न प्रासंगिक नहीं है। मैं नहीं सोचता कि महिलाओं को दिन भर में
इतना अधिक काम रहता है कि वे एक घंटा काटने के लिए नहीं दे सकती। फुल स्टॉप।